ट्वेल्व में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक लैक्मी का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा है। और ये कुछ इस तरह की पैकिंग जिनमें मुझे मिला है, ये कांच की बोतल के अंदर आता है। और ये मेरा इसमें शेड है नेचुरल पर्ल फोर फेयर स्किन के लिए। और इसमें हमें मिलता है 27 ml प्रोडक्ट मिलता है, नेट वॉल्यूम है। ये परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड इजीली इनटू योर स्किन टू क्रिएट सॉफ्ट ग्लोइंग फेदर लाइट स्किन फिनिश देता है। ये मैं ऑयल फ्री स्किन के लिए, वैसे मैंने, चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कितने में ख़रीदा। इसमें 27 ml प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 150 रुपये, जो कि मुझे 120 या 125 समथिंग में ये मिला है एक शॉप से, जिस पर 10% वो डिस्काउंट देते हैं। मैं आपको भी ये कहीं भी 10% डिस्काउंट, मतलब ये 120-140 के आसपास ये मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। हम इसे जब हम बहुत छोटे थे तब से हमारे मम्मी दीदी इसे यूज करती थी और मैंने भी ये बड़े होकर यूज़ किया है। अब मेरा काफ़ी टाइम से ये ख़त्म हो गया था तो मुझे ये फिर से लेना था, इसलिए मैंने इसे फिर से परचेज़ किया है। तो मैं ये लेके आई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस मेरा शेड एक टोन डाउन आ गया है, पर मैंने इसे यूज़ किया तो ये लगने के बाद वाइटनेस देता है। और मुझे ये भी लगा कि मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है तो ये ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। वैसे ये अच्छा हमें मतलब मीडियम कवरेज देता है, हमें बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, ये तो काफ़ी अच्छा है। हमें पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, हमारे स्किन पर अगर ज़्यादा स्पॉट या दाग धब्बे नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मेरी भी फेयर स्किन है एंड ना ही मेरे स्किन पर कोई दाग धब्बे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। पर मैं इसे थोड़ा क्रीम मिला के यूज करती हूँ क्योंकि ये लगने के बाद मेरे फेस पर थोड़ा ड्राई पैचेस या ड्राइनेस ही देता है, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए, मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो हम इसे अगर ड्राई स्किन पर हमें यूज़ करना है तो हम इसमें थोड़ा सा क्रीम लिक्विड, थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइज़र मिला के, मैं इसमें यू क्रीम या फिर कोई और लैक्मे का मॉइस्चराइज़र मिला के इसे यूज करती हूँ तो ये ग्लो ही देता है। एंड इसके बाद में इसे शेड करने के लिए सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करती हूँ तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है मेरे फेस पे, काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है कि मैंने एक मेकअप किया हुआ है, मेकअप लुक अच्छा तरह से तैयार होता है। और ये देखिए, ये लैक्मे का कि ये कांच के बोतल में आता है तो शायद ये थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, वैसे तो ये अच्छा है, थोड़ा सा काफ़ी कम जगह गिरता है। और इसका इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है, मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये इस तरह का इसका ढक्कन आता है, इसमें कोई स्टिक या हमें कोई टूल्स नहीं मिलता है जिससे हम लगा सकें डायरेक्टली अपने फेस पे, तो ये हमें इस तरह से लेना पड़ता है अपने फेस पे। उसमें हो सकता है कि थोड़ा कभी कभी ज़्यादा भी निकल आता है, पर ठीक है। इस तरह से मैं, देखिए आपको मैं बताती हूँ कि ये पर्ल मेरा कैसा शेड है। देखो ये इस तरह से ज़्यादा निकल आता है, हमें कम लेना है तो फिर हम इसे ऐसे भर सकते हैं। ये थोड़ी इसका अच्छा नहीं है पर ठीक है, 125 में क्या मिलेगा अगर फाउंडेशन देखा जाए तो। फाउंडेशन की रेट का, लैक्मे का फाउंडेशन कम से कम 400-500 रुपए में, जो दूसरा वाला है ट्यूब वाला उससे स्टार्ट होता है। और अच्छा, और इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लाइट सी खुशबू आती है, अच्छी लगती है, ऐसा लगता है हमें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये ब्लेंड भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो हम इसे, अगर हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम इसे हाथ से आराम से ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए आप, ऐसा बोला जाता है कि फाउंडेशन को जितना अच्छा हम ब्लेंड करते हैं उतना अच्छा ये वर्क देता है एंड फिनिश देता है और हमारी स्किन पे ग्लो देता है और हमें इसके काला नहीं पड़ता। जितना अच्छा हम ब्लेंड करते हैं वो जितनी जल्दी काला नहीं पड़ता है, काफ़ी टाइम तक हमारी स्किन पे लिखा रहता है। तो देखिए अंतर, देखिए आप इसमें कितना कितना कवरेज देता है ये, फुल मतलब फुल नहीं पर हम मीडियम कवरेज आराम से कह सकते हैं। और हमारी स्किन पे एक ब्राइटनेस लाता है एंड फेयर लुक लाता है ये। मेरा स्किन टोन इतना है तो ये ऐसा देता है जिससे इसके ऊपर मेकअप अच्छा लगता है। और फ्रेंड, ये 120 रेट में काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, पर ये थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि कांच की बोतल में तो टूटने का डर रहता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो 120 में बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आप ये अगर जरूर ले सकते हैं। और आपका स्किन टोन मेरे स्किन की टोन जैसा है तो मेरा ये शेड
नेचुरल पर्ल है। आप वैसे अगर आपका मेन मतलब फाउंडेशन अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेना चाहिए, पर इसे तो आप थोड़ा एक शेड डाउन लेना अगर आपकी ड्राई स्किन, क्योंकि ये देखिए लगने के बाद ये इतना लाइट हो जाता है और ये दिख कैसा रहा था, थोड़ा मेरे स्किन के जैसा लग रहा था, पर ये लगने के बाद ब्लेंड होके ये थोड़ा लाइटपन देता है। इसलिए इसे थोड़ा शायद एक टोन अपने से मीडियम ही लीजिए, हाई कभी मत लेना, वरना ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा। मेरी सलाह तो यही है आपके लिए। तो बताइए फ्रेंड, ये था मेरा लैक्मी फाउंडेशन का रिव्यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर। एंड आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मैं और उसके नीचे एक उसके बगल में एक बेल आइकन बटन है, वे भी बताए दबाइएगा, जिससे मैं और भी अच्छी जब वीडियो डालूँ तो आपको पता चले उसका, जिससे आप उसे देख सकें। ठीक है फ्रेंड, बाय।